केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना राज्य के गठन के 9 साल पूरे होने के अवसर पर एक विषय डाक कवर का अनावरण किया। डाक सदन एबिट्स में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की संस्कृति और विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए विशेष पोस्टकार्ड जारी करना सराहनीय है। साथ ही तेलंगाना में बौद्ध परंपरा को दर्शाने वाले बावपुर कुर्रू पर पोस्टकार्ड के साथ डाक विभाग ने 5 नए प्रकार के पोस्टकार्ड जारी किए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि डाक विभाग लोगों के जीवन में भागीदारी निभाएगा और नव परिवर्तन के साथ आगे बढ़ेगा। इस परंपरा को भविष्य में भी जारी रखने की सलाह दी गई है। किशन रेड्डी ने बताया कि डाक सर्कल की स्थापना की जा रही है और सभी प्रकार की सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। संपर्क से समर्थन के तहत केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपा ने कई मशहूर हस्तियों से मुलाकात की। महाजन संपर्क अभियान के हिस्से के रूप में वरिष्ठ पत्रकार कप्परा प्रसाद राव, बंडारू राममोहन राव, बंडारू राम फणीदार राव, प्रमुख वकील लायंस क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष गुडाला राधाकृष्ण, टीजेयू के राष्ट्रीय सचिव बिंग स्वामी और कुछ अन्य लोगों ने मोदी के 9 साल के शासन का वर्णन करने वाली एक पुस्तक सौंपी। केंद्रीय मंत्री ने उनके साथ नाश्ता किया। पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के जरिए वे लोगों को मोदी सरकार के 9 साल के शासनकाल में केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रगति के बारे में बता रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। हुजूराबाद के बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र रेड्डी पर पलटवार किया। बीजेपी के वरिष्ठों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। वे जितेंद्र रेड्डी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने ट्वीट क्यों किया, उनकी मंशा क्या है। इटेला ने कहा कि उम्र और अनुभव वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। अगर कुछ भी हो जाए तो बोलना नहीं चाहिए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी के सम्मान को ठेस न पहुंचे। इटेला ने कहा कि किसी की स्वतंत्रता और गरिमा को कम नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक राजा सिंह का निलंबन हटाने के लिए कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं। राजा सिंह पर से निलंबन हटाने के लिए बंडी संजय पहले ही 2 बार पार्टी आलाकमान को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हाल ही में राजा सिंह के निलंबन पर विजय शांति का ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। विजय शांति ने अपने ट्वीट में कहा कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि निलंबन हटाने में देरी की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि निलंबन हटाने में देरी हुई तो पार्टी को नुकसान होगा। साथ ही विजय शांति ने एक ट्वीट में कहा कि राजा सिंह का निलंबन हटाने में देरी हो रही है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित रूप से सभी के लिए अच्छा होगा। मंत्री तलसानी ने विधायक कालेरु वेंकटेश के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अंबरपेट के महाकाली मंदिर में बोनालू उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री ने सुझाव दिया कि धर्मस्व विभाग के अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बोनालू त्योहारों के दौरान भक्तों को किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तलसानी ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यातायात की कोई समस्या उत्पन्न न हो, खासकर क्योंकि इसके बगल में फ्लाईओवर का काम चल रहा है। दुब्बाका विधायक रघुनंदन राव ने आरोप लगाया कि बीजेपी में उनके साथ हर कदम पर गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने चिंता जताई कि राज्य कमेटी के साथ साथ केंद्रीय कमेटी भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने खुद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लिए कहा गया तो भी उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। बताया गया है कि गोशामहल विधायक राजा सिंह ने खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को फोन किया और उन्हें बताया कि वह वैसे भी पार्टी में नहीं है और रघुनंदन ने बीजेपी में फ्लोर लीडर का पद मांगा था, फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। क्या विधानसभा वास्तविक फ्लोर लीडर के बिना चलती है? उन्होंने कहा कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए इटेला को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में जगह मिली है, जबकि विजय शांति, जितेंद्र रेड्डी और विवेक को भी जगह दी गई है, लेकिन रघुनंदन राव ने चिंता जताई कि उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। रघुनंदन ने कहा कि हर मामले में जाति के आधार पर पोस्ट रोकी जा रही है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि उन पर कोवर्ट होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले में एक अहम घटनाक्रम हुआ है। इस मामले को लेकर सीबीआई ने नामपल्ली कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। खबर है कि इसमें प्रमुख लोगों के नाम का जिक्र किया गया है। उधर नामपल्ली कोर्ट ने आरोपियों के रिमांड 14 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी है।
वहीं विवेका हत्याकांड पर आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोपी भास्कर रेड्डी, शिवशंकर रेड्डी, एर्रा गंगी रेड्डी, सुनील यादव, उमाशंकर रेड्डी और उदय कुमार रेड्डी को चंचलगुड़ा जेल से सीबीआई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। आरोपियों के रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सिकंदराबाद एनसीसी निदेशालय के पास एनसीसी में डीडीजी के रूप में कार्यभार संभाला है। इस अवसर पर एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया गया। वीएम रेड्डी ने तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्यों के एनसीसी के उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें हैदराबाद में एयर कमांडर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एनसीसी में डीडीजी के रूप में सेवा करने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में जो बड़ा अवसर उन्हें मिला है उसका वह लाभ उठाएंगे और एनसीसी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में एनसीसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और वह छात्र स्तर से ही लोगों को एनसीसी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीसी नेतृत्व गुण अनुशासन और देशभक्ति विकसित करने में मदद करता है। वीएम रेड्डी ने खुलासा किया कि आंध्र प्रदेश में भी जल्द ही एनसीसी निदेशालय शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कुकटपली नगर ब्राह्मण समाख्या के सदस्यों ने ब्राह्मणों के अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अगले महीने की 9 तारीख को सरू नगर स्टेडियम में आयोजित होने वाले ब्रह्मा गर्जना को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सभी ब्राह्मण परिजन ब्रह्मा गर्जना में बढ़ चढ़ कर भाग ले और इसे सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि कुकटपली केपीएचबी कॉलोनी हैदरनगर मूसापेट से आने वालों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सभा परिसर में किसी को कोई असुविधा ना हो इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में ब्रह्मगर्जना के अध्यक्ष वेन्नमपल्ली जगनमोहन शर्मा, कुकटपली नगर ब्राह्मण समाख्या के अध्यक्ष पुंडरीकाक्ष शर्मा, मूसापेट ब्राह्मण समाख्या के अध्यक्ष गरिका पाटी शर्मा, वेंकट प्रगढ़ सुब्बा राव, सीबी राव, सुशीला सुब्बैया, मुनिपल्ली श्रीनिवास, भास्कर मूर्ति, रघुनंदन, जया तुलसी, राघवेंद्र राव ने भाग लिया। तेलंगाना राज्य ने एक और सम्मान हासिल किया है। तेलंगाना देश के उन 5 राज्यों में से एक बन गया है जो 100% सुरक्षा पेयजल उपलब्ध कराते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल जीवन मिशन के माध्यम से इसका खुलासा हुआ है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारत ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में प्रगति की है। तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, गुजरात और पंजाब उन राज्यों में से एक है जो हर घर को 100% सुरक्षा पेयजल उपलब्ध कराते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर तेलंगाना में 93.98 लाख घर है तो हर घर में सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध है। हालांकि पानी की शुद्धता के मामले में तेलंगाना इन राज्यों से पहले नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना राज्य में पीने के पानी की शुद्धता 98.7% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि यूरोप में केवल 62% घरों में ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। इस बीच देश में अब तक औसतन 62.84% लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है। हयातनगर डिवीजन के ओल्ड रोड पर बिरयानी बॉक्स और चाय ग्लास सेंटर खोला गया है। नव स्थापित बिरयानी बॉक्स और चाय ग्लास सेंटर का उद्घाटन प्रोपरेटर विजय भास्कर रेड्डी और विनय कुमार रेड्डी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर प्रोपरेटरों ने कहा कि उनके पास वेज और नॉन वेज बिरयानी, हर तरह की चाय, मिल्क शेक और बेकरी आइटम का ताजा स्वाद किफायती दाम पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर के अंदर पार्सल और डाइन इन की सुविधा और होम डिलीवरी की सुविधा है। उनकी सेवाएं स्विगी और जोमैटो पर भी उपलब्ध है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। हालांकि इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। एक आम आदमी की तरह उन्होंने बाकी यात्रियों के साथ मेट्रो ट्रेन में बैठकर सफर किया। छात्र और सहयात्री मिलनसार थे। मोदी ने इससे जुड़ी तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। वहीं बीजेपी ने भी मोदी के मेट्रो ट्रेन में जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। फिलहाल ये तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में केंद्रीय विधानसभा के एक अधिनियम के तहत की गई थी।
इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। 2022 तक यह विश्वविद्यालय अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा, इसलिए शताब्दी समारोह पिछले साल 1 मई से आयोजित किया जा रहा है। जैसे ही साल भर चलने वाला समारोह आज समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में शामिल हुए। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ तेलंगाना में द्रोणी का असर जारी है, इसके चलते कई इलाकों में मध्यम बारिश हो रही है। हैदराबाद के मौसम विज्ञान केंद्र ने घोषणा की है कि मानसून के प्रभाव के कारण अगले सप्ताह राज्य भर में गरज और बिजली के साथ बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया है कि अगले 24 घंटों में आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगित्याला, राजन्ना सिरसिला, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी जिलों में बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में मेदक जिले के रामायणपेटा में 4 सेंटीमीटर, जनगामा जिले में जफराड में 4 सेंटीमीटर, वरंगल जिले के संगेम में 4 सेंटीमीटर, संगारेड्डी जिले के रायकाल में 3 सेंटीमीटर, खम्मम जिले के मधिरा और मुलुगु जिले के वेंकटापुरम में 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है।